This is Mukesh Kumar, a health counselor, a diet and nutrition educator, and my expertise in food as medicine. And this is third video, how to prevent diabetes, how to control diabetes, and how to reverse diabetes. तो उसकी ये थर्ड वीडियो है. इस वीडियो में मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा क्वालिटी स्लीप को लेकर के, साउंड स्लीप को लेकर के. तो ये क्वालिटी स्लीप, साउंड स्लीप क्यों जरूरी है, पहले इसकी बात कर लेते हैं. आप जब भी रात में सोने के लिए जाते हो तो उसका मेन पर्पस होता है अपने बॉडी को रिलैक्स करना, अपने ब्रेन को रिलैक्स करना. तो अगर आपका बॉडी और ब्रेन अच्छे से रिलैक्स होगा तभी तो नेक्स्ट डे अच्छे से परफॉर्म करेगा, तभी तो नेक्स्ट डे अच्छे से इंसुलिन बनेगा, तभी तो नेक्स्ट डे अच्छे से ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, तभी तो नेक्स्ट डे मसल्स अच्छे से काम करेगी. मतलब सब कुछ नेक्स्ट डे तभी अच्छे से होगा जब बॉडी अच्छे से रेस्ट कर लेगी और आपका ब्रेन अच्छे से रेस्ट कर लेगा. ये रेस्ट अच्छे से कब हो सकता है, जब आपकी नींद अच्छी होगी, क्वालिटी स्लीप होगी, साउंड स्लीप होगी. इसके लिए करना क्या है, जिन लोगों को बहुत अच्छी नींद आती है आपके लिए बहुत बढ़िया है, उसको कंटिन्यू करें. जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी नींद डायबिटीज़ को प्रिवेंट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो अच्छी नींद के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सोने के पहले आपको एक हैबिट बनानी है. 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, जितना भी आपके पास टाइम हो, 5 मिनट्स से 30 मिनट्स के बीच में आप सोने से पहले वॉकिंग जरूर करें. वो आप बेडरूम में टहलो या हॉल में टहलो, आपकी इच्छा है. जितना आपके पास स्पेस है उतने स्पेस में आप वॉक करो. नहीं कर सकते तो एक जगह खड़े होकर वॉक करो, पैर को आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, लेकिन वॉक करो. और वॉक करते करते डीप ब्रीथ करो. ये दो चीज आपको करनी है. वॉक करना है सर्कुलेशन को बेटर करने के लिए, डीप ब्रीथ करनी है बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से देने के लिए. आप ये चीजें करो, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वालिटी स्लीप रहेगी, डायबिटीज भी प्रिवेंट होगी, शुगर भी कंट्रोल होगा और डायबिटीज रिवर्स भी होगी. तो नींद की बहुत इंपॉर्टेंस होती है डायबिटीज में और एक हेल्दी लाइफ में. इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, अच्छी नींद पे ध्यान दें. कुछ क्वेश्चंस होंगे दिमाग में कि कितने घंटे सोना ठीक है, किस टाइम पे सोना ठीक है, किस टाइम पे उठना ठीक है. देखो, कितने घंटे सोना ठीक है इसका कोई पैरामीटर नहीं है. अगर आपको लगता है 6 घंटे 6 आवर्स सोकर के आप एकदम परफेक्ट रिलैक्स हो जाते हो माइंड और बॉडी से, सुबह एकदम फ्रेश उठते हो, तो आपके लिए 6 आवर्स बहुत है. अगर आपको लग रहा है 5 आवर्स में एकदम फ्रेश हो जाते हो, सुबह उठते हो एकदम फ्रेश माइंड और बॉडी से, तो आपके लिए उतना बहुत है. अगर आपको लग रहा है आपके लिए 8 घंटे चाहिए, 8 आवर्स की ज़रूरत है, तो आपके लिए 8 आवर्स बहुत है. तो आपको डिसाइड करना है कितने टाइम में आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो रही है. तो जब आपको लगे कि इतने आवर्स मेरे लिए मोर देन इनफ है, वो आपके लिए परफेक्ट आवर्स है. इसका कोई पैरामीटर नहीं होता कि आपको 24 घंटे में 7 आवर्स सोना है या 8 आवर्स सोना है. नो, क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए. जब सोए तो बहुत अच्छे से सोए, जब उठे तो फ्रेश उठे. सिर्फ यही एक फॉर्मूला आपको लेके चलना है. तो ये है थर्ड वीडियो की ट्रेनिंग जो आपको अच्छे से अपने आप में इम्प्लीमेंट करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, और अपनी डायबिटीज़ को प्रिवेंट करके रखना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है और डायबिटीज़ को रिवर्स करना है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि कोई एक्सपर्ट आपके साथ रहे, तो 1 ईयर का न्यूट्रिशन में रिवर्सिंग डायबिटीज़ प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 1 ईयर तक आपके साथ में मैं और मेरे एक्सपर्ट रहेंगे, जो आपकी डाइट पे ध्यान रखेंगे और आपको अच्छी ट्रेनिंग देंगे, जिससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल भी होगी, रिवर्स भी होगी, और जो लोग डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं वो भी डायबिटीज़ को प्रिवेंट भी कर पाएंगे. तो अगर आप 1 ईयर का रिवर्सिंग डायबिटीज़ प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल अस 9951795111. इस पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, ईमो करें. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हेल्थ को
लाइफ टाइम तक बेटर लेके चलना है। ऊपर वाले ने जितने भी ज़िंदगी दी है इस बॉडी का साथ देना ज़रूरी है। ये बॉडी आपका तभी साथ देगी जब आप बॉडी की केयर करोगे। तो ये थर्ड वीडियो है, अभी फोर्थ वीडियो और फिफ्थ वीडियो भी आपको अच्छे से सुनना है और उसको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच।